क्या होता है, अच्छा अलग अलग पार्ट है उसका। नहीं मैं तो अभी हम यहाँ पे अनरियल इंजन का थोड़ा सा यूसेज वगैरह समझ रहे थे कि कहाँ पे कैसे ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। वैसे तो अनरियल का यू भी नहीं मालूम हमें, भैया से हम सीख रहे थे। ऐसे ये बताओ भैया, हमारे टैक्स पेयर बन गए हैं तो पार्टी कब दे रहे हो? बताओ कब दे रहे हो, कहाँ पे, बढ़िया चाहिए? मम्मी को बोलो ले चलेंगे वो। गजब तू भी आजाद। मम्मी का टैक्स पेयर बन गया है भाई, पार्टी देगा घर पे। कहती दूर आए हैं 2000 किलोमीटर, तो कहीं तो चलना चाहिए ना। 2000 किलोमीटर इतनी दूर से सफर, चलो कैसे पूछ लेंगे, फिर मम्मी को बोल दो, प्लान बना लेंगे, चलेंगे, चल सकते हैं, हेलमेट एक्स्ट्रा बताओ। चलते हैं देखेंगे आज। वैसे कितना व्लॉग हुआ है कुछ पता ही नहीं है, मतलब एडिट तो कर रहे थे कल, देखते हैं क्या होता है। और वैसे एक और टेक्नोलॉजी वाली चीज दिखानी है, ये हमारे पास हमारा निकालना तो यार देखें, ये हमारे पास हमारा छोटा बंधु है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि क्या सी चीज़ है, तो ये है भैया अर्बन सिटीज़ की काम वाली भाई। इसको मस्त ऐसा ऑन किया और ऐसे ऑन कर देने का, अब ये पूरे घर में झाड़ू लगाता रहेगा। और इसका AI फीचर कह लो या क्या कह लो, कुछ तो इतना सही है कि इनकेस अगर मैं इसके सामने आ जाऊँ तो भाई साहब अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। अभी कंफ्यूज है लेकिन बना लेगा रास्ता। बेइज्जती करा रहा है यार ये, गजब बेइज्जती है। वैसे ये बेइज्जती कराता नहीं है लेकिन अभी करा दी है, लेकिन बड़ी काम की चीज है एक्चुअली में। ये लॉकडाउन में ये सब चीजें इंसान यूज करने लगा है। नॉइस, और वो वहां पर है इसका चार्जिंग स्टेशन। अब अगर इसमें बैटरी लो होगी तो ये खुद ही अपने चार्जिंग स्टेशन को वहाँ डिटेक्ट कर लेगा और मस्त वहाँ जाके स्टैंड बाय पे लग जाएगा। ये सब कुछ चीजें ना कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। अगर आपके घर में काम वाली बाय वाय नहीं आ रही तो मस्त इसको यूज कर लेगा। बस थोड़ा सा हमारे जैसे थोड़ा ऐसे लोगों के लिए ना ये कॉस्ट को जस्टिफाई करने वाली चीज हो जाती है। कितने का आता है ये? तो 16,000 को रिकवर करने के लिए हमारे ऐसे लोग लिए इट्स अ बिग अमाउंट। बस भैया बिग अमाउंट नहीं है, तुम कमाओगे तो हो ही जाएगा। अभी अभी तो है, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ यार, एनर्जी इस बार खाने को मिलता है, और क्या चाहिए। दोपहर में हम लोग का प्लान बना था कि कहीं जाएंगे, अभी आ चुके हैं। जगह का नाम क्या है वैसे? कसेपू रेस्टोरेंट, घर से ज़्यादा पास ही है, ज़्यादा तो कसेपू करके कुछ नाम है। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्या, कौन सा पास्ता? व्हाइट सॉस पास्ता और वर्जिन मोजीतो, मोजीतो कुछ तो कहते हैं। चारों तरफ पेड़ हैं, इस तरफ से पैसेज है तो बड़ा सही लगता है। और ऊपर यहाँ पर फैमिली वगैरह के लिए बना हुआ है, मतलब वो बैठ के डाइन इन कर सकते हैं। सही जगह है। कितना दूर होगा घर से? एडजस्ट होगा 10 मिनट्स। और वेदर की बात करें, जब हम आए थे यहाँ पे तो जैकेट वगैरह डाल रखी थी, क्योंकि जब राइड करते हो बाइक स्कूटी कुछ भी तो ठंड लगती है। थोड़ा सा आज बेटर है, 24 या कल परसों तो 19-20 के आसपास था। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही होगी, तो अभी जब कुछ खाने को आ जाता तब दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा आ चुका है वर्जिन मोजीतो। वैसे ये वाला हमारा पर्टिकुलर ग्लास देर में आया और भैया का ग्लास जल्दी आ गया और आधे से ज़्यादा ख़त्म भी कर लिया। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। बोला दो था, समझा एक, लाया एक, फिर एक बार कहा, अब दूसरा आया। पीते हैं बताते हैं। वैसे बड़ा महंगा है यार यहाँ पे, जितने भी हमारे नॉर्थ के भाई बंधु देख रहे हैं वहाँ पे हम कितने का पीते हैं वर्जिन मोजीतो, जितने का भी हो यहाँ, लेकिन 200 का है प्लस उस पर टैक्स लगेगा, तो हो जाएगा अच्छा खासा। जो चीज़ हम लोगों ने ऑर्डर की है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का बिल फटेगा, उतने में हम लोग वहाँ बढ़िया डिनर कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, खर्चा करना है तो करेंगे। ये आ गया है हमारा पास्ता। वैसे मुझे लग रहा है दो हम लोग ने मंगा लिया, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। व्हाइट सॉस पास्ता टेस्ट करते हैं कैसा है। देख के तो मस्त लग रहा है यार। ओके, तो खाना वगैरह खाना क्या खा लिया, पास्ता खाया, और बिल कितने का फटा? 963। दो पास्ता लिया था सेम व्हाइट सॉस और दो वही मोजीतो, और बिल फटा है 966 रुपए का। जीएसटी लगा 40 का।
₹1000 मान लो, गजब महंगाई है भैया। बस हमने हेलमेट लगा लिया है टोपा वाला, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन बस लगा लिया है। चलो भाई थैंक यू। ओके तो आज हम आ गए हैं यहाँ पे गो कार्टिंग करने। लाइफ में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा गो कार्टिंग का। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इस जगह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ऐसे नाम याद नहीं है। बैंगलोर से अगर आप मैसूर रोड पे जाते हो तो ये आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है यार आज। कोशिश करेंगे थोड़े हायर सीसी की ये गो कार्ट चलाएं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 160 सीसी, 200 सीसी और 270 सीसी। फिर उन सब के प्राइसेस हम आपको दिखा देते हैं कैसे क्या रहने वाला है, एंड एक्चुअली इसको बच्चे भी चला सकते हैं, ट्रैक भी अच्छा लग रहा है। ये है कार्टिंग प्राइस, 160 सीसी, 256 रुपीस, 6 लैप, सिंगल सीटर। तो ऐसे करके आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे। तो हमारी बुआ ने पहले, काफ़ी पहले ये सब जो गो कार्टिंग है उसका एक्सपीरियंस ले रखा है, तो कुछ चंद शब्द बताना चाहें। 15 साल पहले किया था ये, आज दोबारा तो याद होगा। 15 साल पहले टायर नए थे, टायर खाने हो गए तब एक ही लैप था, उसमें एक लैप था, एक लैप एक्चुअल में कार नहीं चलाई थी। हाँ तब एक्चुअल में कार नहीं चलाई थी, उसमें का मजा कुछ था। अभी तो नहीं मन हो रहा है करने का मेरा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 160 सीसी वाली लें, क्योंकि पावर का अंदाजा नहीं है। 160 सीसी ट्राई कर रहे हैं 6 लैप के लिए। 160 सीसी फॉर 6 लैप, देखते हैं भाई। हेलमेट अपना लाया नहीं है, वरना उसमें मस्त एसजे कैम लगा लेते। अब इनके में पता नहीं लग पाएगा कि नहीं, देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो अभी हमारे साथ थोड़ा सा कलेश हो गया भैया के साथ, चोट ज़्यादा लगी नहीं है वैसे, लेकिन एक बालक पता नहीं कैसे चला रहा था, आया डीप कट नहीं है, मार दिया। तो अभी हम लोगों ने हेलमेट में कैमरा लगा लिया है जुगाड़ से। भाई गजब कलेश हो रहा है, एक तो हेलमेट ऐसा दिया है, इसमें लॉक भी नहीं लगता। वो फुल लास्ट में बैठो, 10 नंबर गाड़ी है ना, उधर बैठो, इधर क्या कुछ ऐसी रहेगी अपनी गो कार्ट। अभी ये शायद 160 सीसी है और ये बोट वाला इंजन है होंडा का, इसमें शायद सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है और तो कुछ ऐसा मैकेनिकल चीज़ लग नहीं रही। दर्द कैसा है अभी? सामने आ रही है भाई, बढ़ रहा है। लड़का मिल जाए भाई, पकड़ के कूट दिया जाए। मस्त मिल चुकी है। कौन सी नंबर है? 6 नंबर, 6 उनका है, 7 मेरा है। कैसा लग रहा है? बड़ी देर इंतजार करने के बाद मौका मिला है। एवरी कैमरा एंगल इज सेट, एक मेरा सर के लिए, एक ये और एक उधर आगे वेटिंग एरिया पे बुआ को दे रखा है। बस चलाते हैं, देखते हैं कैसी है। आई होप सही जाए सब कुछ। डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ब्रेक वेक धोखा ना दे दे इसका। 160 सीसी होंडा, प्लीज धोखा मत देना होंडा, होंडा का इंजन नहीं देगा धोखा। काफ़ी मज़ा आया। पहले हम सोच रहे थे कि शायद 160 सीसी उतनी पावरफुल होगी कि हम संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब एक बार हाथ सेट हो जाता है ना तो फिर सब सही लगता है। एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू लीड द पूरा कॉन्वॉय, हमने लीड किया है, हमने हमारे भैया को 3 बार ओवरटेक किया, तो पहले ट्रायल में हैवी ड्राइवर बन चुके हैं। ये पीछे है गो कार्टिंग एंड बोलिंग, तो गो कार्टिंग, बोलिंग और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं।